हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के लिए राखी सीरीज लेकर के आ रही हूँ। राखी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, चॉकलेट की, बिस्किट की, केक की। और आप सबके लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी चॉकलेट और बिस्किट की रेसिपी लेकर के आ रही हूँ, जिसके लिए आपको सिर्फ एक डो प्रिपेयर करना है और आपको बनानी है उससे दो डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें। यस, एक हम बनाएंगे बिस्किट और दूसरा हम बनाने वाले हैं उसी डो से एक बहुत ही डिलीशियस, मुंह में घुल जाने वाले चॉकलेट की रेसिपी। तो आइए देखते हैं आज की ये कंप्लीट वीडियो। और अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी से आप मुझे अपने प्यार और अपने केयर को दर्शा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और आपका फायदा अगर होता है मेरी रेसिपीज से तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, एक चीज और आप सबसे बोलना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं या जो भी मेरी रेसिपीज देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं कि वो मेरे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे सारी रेसिपीज कहां कहां तक जाती हैं और मेरे फॉलोअर्स कहां से हैं। तो प्लीज ये बिल्कुल भी बताना मुझे ना भूलें कि आप मेरे इस रेसिपी को कहां से देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये राखी सीरीज की सेकेंड रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने लिया है बिल्कुल चिल्ड बटर 140 ग्राम। बटर को मैं इससे बीट करने वाली हूं। आप हैंड विस्कर भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने यहां पर बजाज का हैंड ब्लेंडर यूज किया है। बीट करने के बाद साइड के बटर को थोड़ा सा आपको इस तरीके से सेंटर में ले आना है और फिर इसे एक मिनट बीट करना है। अब इसके बटर को आप अच्छे से निकाल लें। अब फिर से हम अपना ये बाउल लेंगे। अब शुगर पाउडर मैंने रेडी रखा है, जिसे मैं हाफ कप का मेजरमेंट लूंगी। ये मैंने दोनों मेजरमेंट्स यहां इसलिए दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो सके दोनों मेजरमेंट से, कि अगर आप कप के मेजरमेंट से बनाएंगे तो हमें क्या लेना है, और अगर ग्राम के मेजरमेंट में अगर आप बनाते हैं सेलिंग पर्पज पे, तो आपको क्या क्वांटिटी लेनी है। यह देखिए, हाफ कप मैंने यहाँ पे शुगर यूज किया है और हाफ कप शुगर मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये लगभग 80 ग्राम के आसपास हमारा जो हाफ कप शुगर है वो यहाँ पर मेजरमेंट में आ गया है। अब इन दोनों को हमें फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसे भी हैंड बीटर से कर सकते हैं। और ये मैं आज आपको कढ़ाई में बेक करके दिखाने वाली हूं। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा वनीला का एसेंस, लगभग 1 चम्मच आपको वनीला एसेंस यूज करना है। इस एक डो से हम आज दो चीजें प्रिपेयर करने वाले हैं। अब हमारा जाएगा इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट, जो होगा 1 कप और 1/2 कप मैदा, टोटल 1.5 कप मैदा, जिसे आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा होता है 180 ग्राम। मैंने आपको यहां मैदे का मेजरमेंट नहीं दिखाया, तो देखिए मैं आपको आगे दिखा दे रही हूं। मैं आपको मैदे का मेजरमेंट दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने उसमें वो मिस कर दिया। तो सबसे पहले आपको आपका वेट मशीन ऑन करना है और कोई भी एक बाउल ले लेना है और इसे टेयर करना है। टेयर करने के बाद हम इसमें नापेंगे कि 1 कप मैदा, जो लगभग 120 ग्राम होता है, और 1/2 कप मैदा, जो 60 ग्राम के आसपास होता है। तो आप देख सकते हैं टोटल 180 ग्राम मैदा मैंने उसमें यूज किया है। अब हम इसमें डालने वाले हैं टेस्ट के लिए वनीला का कस्टर्ड पाउडर। ये 1 चम्मच, जो 1 बड़ा चम्मच होता है, वो होता है लगभग 10 ग्राम। बिल्कुल भरकर मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो हमने यहां पर लिया है 1/8 TSP, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बटर होता है, इसलिए आप बेकिंग पाउडर बहुत ज्यादा ना डालें।
अब इन तीनों ही चीजों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। डो मत रेडी करिएगा, सिर्फ इस तरीके से स्पैचुला से कट एंड फोल्ड मेथड जो होता है, जो हम केक में यूज करते हैं, बस उसी तरीके से आपको इन सबको अच्छे से ऐसे मिक्सअप कर लेना है और कुछ भी नहीं। अब हमें लेना है कोई भी एक बेकिंग पेपर या फिर क्लिंग रैप। और इसे थोड़ा सा हाथ से मैश करना है। अगर आपका डो थोड़ा टाइट हो जाए तो आप उसमें एक चम्मच दूध डाल सकते हैं। हर तरह के डो का टाइट और लूज होने का कारण होता है बटर, कि आपका बटर कैसा था, किस टेम्परेचर पे था। अगर आप बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला बटर लेते हैं तो आपका ये जो डो है काफ़ी गीला बनकर के तैयार होगा, क्योंकि बटर जो है वो मेल्ट हो जाता है। अब ये देखिए, ये हाफ पोर्शन मैंने अलग ले लिया है। इस हाफ पोर्शन में मैं डालने वाली हूं टूटी फ्रूटी। रिसेंटली मैंने आपको इस बिस्किट की रेसिपी शेयर की थी, जिसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर आपको नहीं दिया था, विदाउट कस्टर्ड पाउडर मैंने उसे बनाया था। और अब फिर से मैं आपको कराची बिस्किट की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसमें हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। आप डो का टेक्सचर देख सकते हैं। अब आप चाहें तो लास्ट टाइम के वीडियो की तरह आप कुकी कटर से भी ये काम कर सकते हैं। प्रोसेस आपको हर तरह के बताए हैं। आप देख सकते हैं काफी अच्छा मैंने एक शेप इसे प्रोवाइड किया है। अब बिल्कुल टाइटली आपको जो है इसे रैप करना है, और रैप करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से टाइटली सेट ना हो जाए, फ्रिज में रखना है। अब जो बचा हुआ डो है उससे हम प्रिपेयर करेंगे राखी सीरीज की स्पेशल चॉकलेट। इस तरह से आपको कोई भी एक ट्रे लेना है और छोटी छोटी लोइयां बनानी है। ये आप देख सकते हैं, ये काफी बड़ी लोई है, इसे मैं थोड़ी और छोटी करूंगी। ये देखिए, सिर्फ इतनी बड़ी जो है आपको लोई रेडी करनी है और इस तरीके से बेकिंग ट्रे में आपको रखते जाना है। अब ये जो थोड़ा सा बैटर बच गया है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगी जो काजू के कराची बिस्किट्स होती हैं वो कैसे बनती है, और ये हम बना रहे हैं हमारे चॉकलेट्स के लिए। तो आइए देखते हैं इसके आगे का प्रिपरेशन, हमें इसके लिए क्या करना है और कैसे करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले इसे इस तरीके से चपटा कर लेना है, और चपटा करने के बाद इसे बिस्किट की साइज में कट कर लेना है। बिस्किट की साइज में आपको इसे कट कर लेना है, और ऊपर से इसमें हमें काजू लगा देना है। वैसे ये जब बड़े बड़े रोल हम करते हैं तब हमें काजू लगाना ज़्यादा इजी होता है। और फिर इसे भी ले लेना है, और इसे अब मैं कट नहीं कर रही, बस इसे हाथ से मैं ऐसे शेप दे दे रही हूँ ताकि ये उसी तरीके के शेप में आ जाए। आप देख सकते हैं कितना थिक मैंने इसे रखा है, और इसमें भी हमें काजू को इस तरीके से लगा देना है। और ऐसी कोई भी प्लेट लेनी है और उसमें आपको इसे प्लेस कर देना है। ये सिर्फ दो पीस हमारे काजू वाली बिस्किट हम बनाएंगे।
और जब तक हमारा कढ़ाई जिसमें हम इसे बेक करने वाले हैं कराची बिस्किट को, वो हमारा प्री हीट हो रहा है, तब तक इसे ओटीजी में हमें 10 मिनट के लिए बेक कर लेना है 160 डिग्री सेल्सियस पर पूरे 10 मिनट के लिए मिडिल रैक पर। अब देखिए जब तक हमारी कराची बिस्किट्स को हम कट करके रेडी करेंगे, तब तक हमारा जो कढ़ाई है जिसपे हमें इसे बेक करना है, हम उसमें नमक डाल करके उसे प्री हीट कर लेंगे। नमक इसमें इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि नमक से जो आंच है वो चारों तरफ से बराबर मिलती है और बिस्किट में एक बहुत ही सोंधापन आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मीडियम फ्लेम पर आंच रख के इस कढ़ाई को हम इस तरीके से ढक देंगे ताकि इससे हवा जो है बाहर ना निकले। अब 15 मिनट के बाद मैंने जो डो फ्रिज में रखा था वो मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से सेट हो चुका है और थोड़ा हार्ड हो गया है। अब इस तरह की नाइफ लेकर के आपको इसे कट कर लेना है। आपको पास से इसका टेक्सचर दिखा रही हूं, आप देख सकते हैं। थोड़ी थिक साइजेस आपको कट करनी है, बहुत बारीक आप पतले पतले बिस्किट्स जो होते हैं वैसे साइजेस आप इसके बिल्कुल भी कट ना करें। मैं आपको पास से दिखा रही हूं, जो हमने फ्रिज में रखा था वो ये है और जो हमने बाहर रखा था वो ये हमारी काजू वाली बिस्किट। आप चाहें तो इसमें ऊपर शुगर भी डाल सकते हैं। और सिर्फ इतनी ही बिस्किट्स अभी एक बार में मैं उस कढ़ाई में बेक करने वाली हूं। सारे बिस्किट्स को अच्छे थिकनेस के साथ आप पहले ही कट कर लें। और ऐसी ही दूसरी प्लेट्स भी रेडी कर लें। ये देखिए आप चाहें तो इसे कुकर में भी यही काम कर सकते हैं, कुकर में भी इसी तरीके से, या फिर आप उसी कढ़ाई में बेक करना चाह रहे हैं तो थोड़ी देर आपको वेट करना होगा, जब तक आपका एक जो प्लेट है वो रेडी ना हो जाए तब तक आप इसे फिर से फ्रिज में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप इसे दूसरे किसी और गंज या कढ़ाई में एक साथ बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने इसमें सिर्फ इतनी ही बिस्किट्स ली हैं और इसमें इतनी ली है। तो पहले हम ये बिस्किट को बेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारी ये बिस्किट्स रेडी होने के बाद कैसी बनकर तैयार हुई है। ये जो हमारी कढ़ाई है ये प्री हीट हो चुकी है और अब हम ये बिस्किट की प्लेट को इस तरीके से सेंटर में रखेंगे और फिर से इसका ढक्कन लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी ये जो बिस्किट्स हैं, ये जो कुकीज़ मैंने छोटे छोटे बॉल फॉर्म में बनाई थी, वो कितनी सुंदर तरीके से बेक हो चुकी हैं। ये आप देखिए काफ़ी अच्छे क्रैक्स भी आए हैं इसमें। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको इसके आगे की रेसिपी बताऊंगी। जब तक हमारा जो कराची बिस्किट है वो भी बेक हो रहा है कढ़ाई में। इस बिस्किट को बेक करने की जो टाइमिंग है कढ़ाई में वो है 20 से 22 मिनट की। ये देखिए मैंने 20 मिनट के बाद इसे ओपन किया है और जो फ्लेम आपको रखना है वो है लो टू मीडियम फ्लेम, हाई पे बिल्कुल ना रखें नहीं तो आपकी बिस्किट्स जल जाएंगी। ये देखिए पूरे 22 मिनट के बाद मैं इसे फिर से आपको चेक करके दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा कलर आया है। हमारी जो बिस्किट्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं और मैं इसे अब निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये जो कराची बिस्किट है वो भी रेडी हो गया है और अब इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी ये बिस्किट्स कैसी बनकर के तैयार हुई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सारी जो बिस्किट्स हैं ये रेडी हो चुकी हैं। मैं आपको एक तोड़कर दिखा रही हूँ, ये देखिए है ना, तो बिल्कुल क्रिस्पी ये बनकर के तैयार हुई हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बिस्किट बनकर तैयार हुई है। तो आइए देखते हैं हमारी जो कराची बिस्किट है वो कैसी बनकर तैयार हुई है। ये आप देख सकते हैं कराची बिस्किट, बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है। आप देख सकते हैं बैक साइड बहुत सुंदर ब्राउन गोल्डन कलर आया है। ये काजू वाला जो बिस्किट हमने प्रिपेयर किया था और ये है हमारी कराची की टूटी फ्रूटी बिस्किट और बाकी जो बैच बचा है अब उसे भी हम प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा रही हूँ, कितना सुंदर कलर आया है, वाओ। आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना खस्ता बनकर के तैयार हुआ है, बिल्कुल जो मार्केट वाली कराची बिस्किट है वैसा ही ये प्रिपेयर हुआ है। तो जरूर ट्राई करें मेरी ये रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जो वाइट चॉकलेट है वो मेल्ट कर ली है, और मेल्ट करके मैंने उसमें ऐड किया है थोड़ा सा घी। आप रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हैं, आप बटर ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा रहे इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है घी। ये है वो बिस्किट्स जो हम चॉकलेट में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। बहुत ही सिंपल है, आपको एक बिस्किट इस तरीके से ले लेना है, और सारी की सारी जो छोटी बिस्किट्स हमने प्रिपेयर की हैं उसे आपको इस तरीके से चॉकलेट में डिप करके बटर पेपर में रखते चले जाना है। अब जो बिस्किट्स बच गई हैं आप इसके लिए फिर से चॉकलेट्स मेल्ट कर लें, या फिर इस बिस्किट को आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। अब हमने एक पाइपिंग बैग में वाइट चॉकलेट लिया है, वाइट चॉकलेट को आप पहले अच्छे से इस तरीके से मेल्ट करने के बाद हाथों से मसल लें ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रह जाए, और फ्रंट पोर्शन को आपको कट करना है। और इसके बाद इस चॉकलेट से हम इस चॉकलेट को डेकोरेट करेंगे, गार्निश करेंगे। इसे मैं फ्रिज में सेट करने के लिए रख रही हूं ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो चॉकलेट है वो सेट हो चुकी है। मैं अभी आपके सामने इसे पूरा निकाल कर दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो चॉकलेट्स हैं वो पूरी तरीके से सेट हो चुकी हैं। बहुत देर आपको इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट के टाइम पर ये चॉकलेट्स इजीली सेट हो जाती हैं। साइड में जो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स रहते हैं इस तरह से आप उसे तोड़कर हटा सकते हैं, या फिर आप नाइफ से उसे क्लीन कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो चॉकलेट थी जो हमने बिस्किट से रेडी की थी, एक डो से रेडी की थी, वो कितनी सुंदर हमारी जो है बनकर के तैयार हुई है, और आप इसे इजीली स्टोर कर सकते हैं पूरे एक महीने के लिए, कोई परेशानी नहीं है। साथ ही मैं आपको वो बिस्किट्स भी दिखा रही हूँ जो मैंने पैक करके रखा है। ये देखिए, ये वो बिस्किट्स हैं जो मैंने पहले बनाया था, और ये देखिए इस तरीके से मैंने बिस्किट्स को पैक कर दिया है। बहुत ही सिंपल पैकिंग है, बहुत ही सुंदर पैकिंग है, तो ये आप भी कर सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं इस बार की राखी सीरीज़ में। अभी मैं आप सबके साथ और भी बहुत सारी वीडियो शेयर करने वाली हूँ, मेरे चैनल पर बनी रहें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।